हेलो सीनियर केजी, आज मैं आपको प्रीवियस वीडियो में जैसे कि मैंने पेज नंबर 30 का रीडिंग करवाई थी और राइटिंग भी करवाई थी, आज हम यही राइटिंग में से मैं आपको खाली जगह करवाने वाली हूँ। वो मैं किस तरह करवा रही हूँ, ये देखिए, शैलेश से लेकर मैंने इसको ये गाय पाल रखी है, यहाँ तक पूरा एक वाक्य है, ये पूरे सेंटेंसेस हैं और उसमें मैंने बीच बीच में खाली जगह छोड़ी है, जिसमें अगर आपने ये रीडिंग करी है और राइटिंग करी है तो आपको पता होगा। जैसे कि शैलेश मेरा साथी है, तो मैंने उसमें क्या किया है, शैलेश मेरा, और यहाँ पर आपको डैश लगा छोड़ दिया है, तो ये साथी आपको भरना होगा। ओके चिल्ड्रन, तो आइए इसे कॉपी पे कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये है आय की मात्रा और क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में सही शब्द चुनकर इन वाक्यों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो मैंने ये जो खाली जगह वाले जो शब्द हैं इनको यहाँ पर लिखा है, इन शब्दों को, ओके, और आपको इनमें से सही शब्द यहाँ खाली जगह पर भरने हैं। तो देखिए, मैंने जैसे कि किताब में बताया था, शैलेश मेरा क्या है, साथी, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, सा थी। ओके, बिल्कुल पहले आप इसको ऐसे उतारेंगे, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है अगर हो सके तो इस क्वेश्चंस को आप उतार के दें, बच्चा इसको फिल करेगा। फिर नेक्स्ट आ जाइए, शैलेश सुबह डैश करने जाता है, तो सुबह शैलेश क्या करने जाता है बच्चों, सैर, क्या करता है, सैर, तो क्या लिखेंगे यहाँ, सैर, शैलेश सुबह सैर करने जाता है। फिर नेक्स्ट है, वह नदी की किनारे डैश में पैदल सैर करता है, तो क्या लिखेंगे, नदी के किनारे, कहाँ पर, मैदान में, सैर वो कहाँ करता है पैदल, मैदान में, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, मैदान, सॉरी। मैदान में पैदल सैर करता है, ओके। फिर लिखा है हमने, वह एक कुशल को क्या है, वो तैराक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तैराक कौन होता है, जिसे तैरना आता है उसे कहते हैं तैराक, तो वह एक कुशल तैराक है, वह नदी में तैरता है, शैलेश ने एक पाल रखी है, डैश क्या पाल रखी है शैलेश ने, एक गाय, ओके। इस तरह आप इसको देखिए, डैश लगाते हुए और इसको ऊपर इनमें से निकाल छांटते हुए शब्दों को, इस पूरे पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चे, बिल्कुल आप इसे ऐसे ही करेंगे। ओके चिल्ड्रन, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर भी कंप्लीट कर सकते हैं, देखकर, आपके पास किताब है ही है, बस ऊपर के पांच शब्द देख लीजिए, ये पांच शब्द, और वहीं पे डैश लगा लीजिए, वो आपको पैराग्राफ में नहीं लिखने हैं, और बाकी जगह डैश छोड़ना और इसमें से शब्दों को छांट कर यहाँ पर लिखना है। ओके चिल्ड्रन, बिल्कुल आप इसको, जिन बच्चों ने पहले का पुराना काम नहीं किया है वे भी इसे कंप्लीट कर लें, और हम, आपको पता है, ए की मात्रा तक पहुँच गए हैं, हमारी बहुत जल्दी जल्दी सभी मात्राएँ कंप्लीट होती जा रही हैं, तो आप भी उसको अपने साथ, मेरे साथ करते रहिए। ओके चिल्ड्रन, सो ओके, बाय।